हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपने सामने खड़ा है क्रेटा का SX एग्जीक्यूटिव वेरिएंट। भाई आज की इस वाली वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो इस गाड़ी की अपन बात करें तो भाई इस गाड़ी के क्या ही कहना है। इंडिया का पूरा मिड साइज SUV सेगमेंट इसने पूरा हिला रखा है। देखें तो भाई इतनी सेल्स हो रही है, अभी इस गाड़ी को लगभग 2 साल हो गया है लॉन्च हुए भी, पर अभी भी इतनी सेल्स हो रही है कि कोई दूसरा कॉम्पिटिशन इसको बीट नहीं कर पा रहा है। भाई चीज़ें ऐसी है, कम्फर्ट की देख लो, माइलेज की देख लो, रिलायबिलिटी की देख लो, कहीं सोचने की अपन को इस गाड़ी के बारे में ज़रूरत नहीं है। मैटर द फैक्ट ऑफ सेफ्टी। भाई अपन इस गाड़ी की बात कर लें तो भाई स्टार्ट करते हैं इसकी की से। तो की की अपन बात कर लें तो भाई वही आपको टिपिकल लॉक अनलॉक रिमोट स्टार्ट फीचर आपको इसमें मिल जाएगा, और बूट अनलॉक का आपको फीचर है। बूट इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं है इसमें। फ्रंट से अपन बात करें तो भाई इतना एलिगेंस है इस गाड़ी का, जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में भी। आज भी गाड़ी, आप भले इतनी गाड़ी की सेल्स है, पर आज भी ये गाड़ी क्रॉस होती है तो एक बार मेरी नज़र तो घूमती है इस गाड़ी पर। यह अपन बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट की साइड। फ्रंट में आपको ग्रिल मिल जाती है क्रोम के साथ, क्रोम के इंसर्ट के साथ आपको ग्रिल मिल जाएगी। नीचे लाइसेंस प्लेट देख लीजिए। अपन अब बात कर लेते हैं इसके हेडलैम्प के बारे में। तो हेडलैम्प में आपको डे टाइम रनिंग DRL आपको इधर मिल जाएगी। प्रोजेक्टर की बात करें तो ऊपर के जो 2 प्रोजेक्टर है वो लो बीम के लिए, नीचे वाला हाई बीम के लिए। नीचे अपन और आ जाए तो भाई नीचे आपको फॉग लैम्प और इंडिकेटर दोनों मिल जाएगा। साइड में आपको एयर वेंट है ताकि एरोडायनेमिक बने रहे गाड़ी के। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इसका एक बार फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। फ्रंट में आप देखें तो भाई आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको इधर मिल जाएगी। नीचे आप देखें तो भाई काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रखी है। अब अपन चल लेते हैं इस गाड़ी के साइड में। साइड में अपन देखें तो ब्लैक जो क्लाइडिंग है जो आपके टायर के ऊपर जा रही है, 360 डिग्री ब्लैक क्लाइडिंग आपको इसमें मिल जाएगी। आप नीचे देखें तो बॉडी क्लाइडिंग के ऊपर सिल्वर टच दे रखा है आपको। नीचे आप देखें तो ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगी। इंडिकेटर आपको ग्लास पे दिया गया है, साइड मिरर पे इंडिकेटर दिया गया है। अब रिवील की बात कर ले तो भाई व्हील आपको 17 इंच का इसमें व्हील मिलता है। 215/60R17 इसका साइज़ है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। क्रेटा का आप सस्पेंशन भी देखें तो काफ़ी सॉफ्टर साइड सस्पेंशन है, जो कि इसको बेस्ट बनाता है इसके कम्फर्ट में। अब अपन बात कर लेते हैं भाई इसके ORVM की। तो ORVM में आपको ऑटो फोल्डिंग एडजस्टमेंट भी आप इलेक्ट्रॉनिकली कर पाएंगे। नीचे आप देखें तो इसको पडल लैम्प भी आपको मिल जाएगा, जो कि रात के समय काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अंधेरे के टाइम पे। साइड में आप देखें रिक्वेस्ट सेंस डोर हैंडल आपको बॉडी कलर मिलेगा। ऊपर आप देखें तो आपको सनरूफ मिल जाएगा, रूफ रेल आपको मिल जाएगी। साइड में आप देखें तो भाई सिल्वर कलर का स्किड प्लेट, सिल्वर कलर का पूरा पैटर्न दिया गया है पीछे तक। अब आ जाते हैं भाई इस गाड़ी के रियर की तरफ। तो भाई रियर में आपको ऊपर से स्टार्ट करते तो भाई ऊपर आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना, जो कि गाड़ी के कनेक्शंस में काम आएगा। नीचे अपन बात करते आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, जो कि ऊपर से वाइट है नीचे से ब्लैक कलर में है। सेंटर में आप देखें तो भाई आपको टेल लैम्प मिल जाएगा, जो कि कनेक्ट करता है, जो कि काफ़ी एलिगेंट देता है गाड़ी को और काफ़ी अच्छा यूनिक है। ऊपर ग्लास में आप देखें तो भाई आपको डिफोगर ग्लास और रियर वाइपर आपको मिल जाएगा। नीचे आप देखें क्रेटा की इम्बोसिंग आपको मिल जाएगी। साइड में आप देखें तो भाई जो ब्लैक एलिमेंट मैं बता रहा था वो ये वाला ही है। पहले ये बॉडी कलर आता था पर अभी इसको ब्लैक कर दिया गया है, क्योंकि भाई एक कॉस्ट फैक्टर भी होता है और एक गाड़ी का लुक भी चेंज करना था। काफ़ी टाइम से गाड़ी AC लुक में आ रही थी तो एक लुक भी चेंज हो गया, कंपनी की कॉस्ट भी बच गई। अब आ जाते हैं अपन नीचे की तरफ। तो नीचे आपको देखो ब्लैक और सिल्वर की स्किड प्लेट मिल जाती है और 4 पार्किंग सेंसर आपको इधर मिल जाते हैं। नीचे आप देखें तो भाई आपको रिवर्स लैम्प मिल जाता है, रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है नीचे ही। अब अपन आ जाते हैं भाई इसके बूट खोलना। बूट खोलने में आपको एक रिवर्स कैमरा भी नीचे दिया गया है, हेलोजन में लाइसेंस प्लेट दी गई है। बूट की अपन बात कर ले तो भाई 433 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है। टूल किट आपको बाहर ही मिलेगी। साइड में आपको दिख रहा होगा बूट लैम्प भी है और पार्सल सेल्फ है जो रिमूवेबल है। ठीक ठाक स्पेस है इसके सेगमेंट के हिसाब से और काफ़ी अच्छा है। नीचे आप देखें तो भाई एक साइज़ छोटा आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है और बाकी जो भी है टूल्स वगैरह वो भी वहीं दिए गए हैं। ये कुछ है बूट इसका। और लोडिंग लिप भी काफ़ी नीचे है ताकि सामान रखने और निकालने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये थी इसकी कुछ बूट की कहानी। अब चलते भाई अपन इसकी ड्राइविंग सीट की तरफ। तो भाई रिक्वेस्ट सेंसर है आप बाहर को पहले ही बता दिया आपको मैंने। इंटीरियर देखें तो भाई ग्रे और ब्लैक का जो इंटीरियर कॉम्बिनेशन है अनबीटेबल है पूरे सेगमेंट में, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में भी और थोड़ा मेला होने का प्रॉब्लम रहेगा इसमें, पर ठीक है भाई इतना बढ़िया लुक भी दे रहा है। यहाँ आप देखें तो भाई फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, जो कि मतलब काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं काफ़ी कंपनीज है वो मैच नहीं कर पाती Hyundai की फिट एंड फिनिश, जो कि इसमें है काफ़ी अच्छी है। साइड में आप देखें तो भाई आपको ये ग्रे कलर की क्लेडिंग भी मिल जाती है। डोर अनलॉक आपको सिल्वर कलर में डोर अनलॉक मिल जाता है। नीचे आप देखें तो भाई आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्टमेंट यहीं से दिए गए हैं। लॉक अनलॉक का
और विंडोज रोल अप रोल डाउन इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वो सब यहीं से दिए गए। साइड में आप देखें तो आपको सॉफ्ट टच साइड में दिया गया है। नीचे आप देखें तो आपको बोतल होल्डर अम्ब्रेला होल्डर ये सब आपको इधर नीचे दिया गया है। सीट की अपन बात करते भाई इसमें मैनुअल सीट एडजस्टमेंट है, ऑटोमेटिक नहीं है। और नीचे आप देखें तो भाई फ्यूल लीड खोलने का बटन भी दिया गया है। यहाँ आप देखें तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिया गया है, स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी आपको दिया गया है और लाइट एडजस्टमेंट भी वहीं से दिया गया है। अब यह आप पैनल देख लो, हालांकि इसमें डिस्प्ले नहीं मिली जाती है, डिस्प्ले आपको अलग से लगानी पड़ेगी। कॉस्ट सेविंग है 90,000 वैसे भी कम कर रही है डायरेक्ट कंपनी। ब्लूलिंक वगैरह आपको इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ऊंचे वाले वेरिएंट में ही जाना पड़ेगा। अब गाड़ी को अपन स्टार्ट करके देख लेते हैं कि भाई स्टार्ट करते ही सबसे पहले जैसे आप कभी बैठोगे गाड़ी में, स्टार्ट करते ही सबसे पहले आप जो चीज़ महसूस करोगे वो है इसका पावर स्टीयरिंग व्हील जो इतना अच्छा है, मतलब इतना स्मूथ है, कुछ कहने मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे तो इस कंफर्ट की वजह से तो गाड़ी इतना बिक रही है। आपका एसी जो है, एसी भी काफ़ी अच्छा पावरफुल है इस गाड़ी का, एक नंबर एसी है, जो कि मैं डेमोस्ट्रेट तो नहीं कर सकता, आपको लेनी पड़ेगी उसके लिए या एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी गाड़ी। हालांकि इतनी गाड़ियां हैं आजकल तो आपके पहचान में ही काफ़ी लोगों के पास होगी। चलो फालतू की बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं भाई इसके ऑडोमीटर की तरफ। तो ऑडोमीटर की बात कर लें भाई, ये जो ऑडोमीटर है मेरे को टॉप मॉडल से भी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई इतना बढ़िया एनालॉग सिस्टम है। और सेंटर में आप देखें तो भाई आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये भी आपको उधर ही देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड का जो है कंट्रोल वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए कंट्रोल है, हालांकि डिस्प्ले नहीं है, आपको आफ्टर मार्केट लगानी पड़ेगी या कंपनी की ही ले सकते हो आप। हैंडल की बात करें तो भाई आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक हैंडल आपको नहीं मिलता है। और बाकी आप कवरेज देखें पूरा लेदर से रैप्ड है। साइड में आप देखें तो ये कांच दे रखे हैं ताकि बेहतर ग्रिप बनी रहे गाड़ी पे। और गाड़ी का काफ़ी मतलब अभी तक जो एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी अच्छा है। नीचे से आपको फ्लैट बॉटम मिलता है, बटरफ्लाई डिज़ाइन जो आई रही है हुंडई की वैसे आपको हैंडल देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं राइट साइड की। राइट साइड में आप देखें तो क्रूज कंट्रोल जो कंट्रोल्स है वो आपको राइट साइड में मिलने वाले हैं, और बाकी जो कंट्रोल है वो MID के हैं। अब आप देखें गाड़ी का जो ऊपर का जो एरिया है ब्लैक पैटर्न में, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको एम्बिएंट लाइट देखने को मिलेगी जो कि पूरी कवर करती है, हालांकि ये एम्बिएंट लाइट सिर्फ फ्रंट वाली है, सिर्फ फ्रंट में ही चलती है, वही एम्बिएंट लाइट है पूरी गाड़ी में। ऊपर आप देखें तो भाई आपको ग्लास मिल जाएगा, पैसेंजर साइड ड्राइवर साइड आपको ग्लास नहीं मिलेगा, हालांकि उधर कोई लैंप नहीं दे गया है, लैंप जो है आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। आपको सनग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा। ऊपर आप देखें तो भाई लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, डोर खुलने पे और बंद करने पे कंट्रोल यहाँ से। ऊपर आप देखें तो भाई पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स है, जो कि मतलब इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है काफ़ी अच्छा खुलता है, हालांकि थोड़ा इसमें रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई अभी इंडिया में तो भाई जर्मन्स में तो उनकी टेक्नोलॉजी हाई रहती है, बाकी इंडिया ये कार थोड़ी इंडियन के हिसाब से तो उसमें थोड़ी रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा। नीचे आप देखें तो भाई आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें नहीं मिलने वाला है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है आपको पूरी गाड़ी में, वही क्लाइमेट रहेगा। हेजर्ड लाइट का स्विच आपको देखा जाएगा, नीचे डिफोकर का स्विच आपको इधर ही देखने को मिलेगा, एसी ऑफ ऑन। नीचे आप देखें तो भैया आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एप्पल कारप्ले के लिए कनेक्शन भी उधर ही देखने को मिलता है, वायर्ड एप्पल कारप्ले मिलेगा, हालांकि अभी डिस्प्ले है ही नहीं। नीचे आप देखें तो गियर नॉब आपको 6 गियर वाला आपको गियर नॉब मिल जाता है, 6 ट्रांसमिशन प्लस रिवर्स आपको इधर देखने को मिलता है। इसका जो गियर शिफ्ट है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइंड इसका गियर शिफ्ट दिया गया है हुंडई की तरफ से, हालांकि देख पा रहे होंगे मैं एक उंगली से भी कर पा रहा हूँ। और नीचे आ जाएगा, नीचे आप देखें तो बोटर होल्डर की आपको स्पेस मिल जाती है, हैंड ब्रेक आपको मिलता है, मैन्युअली मिलता है, जो ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वो आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिलेगा। सेंटर के आर्मरेस्ट देखें तो भाई आपको लेदर आर्मरेस्ट मिलता है। नीचे की स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, साइड का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसका हेडरेस्ट दिया गया है आपको। साइड में आप देखें तो जो इसके साइड के बोस्टर है, साइड के जो सपोर्ट्स है वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इस गाड़ी में। हाँ, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी की सीट की जो ब्रॉडनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो ये ब्लैक और ग्रे पैटर्न में काफ़ी एयरी फीलिंग भी देता है इसको केबिन को। अब अपन बात कर लेते हैं इसके सीट के नीचे वाले एरिया के, तो भाई डायमंड कट पैटर्न आपको इधर दिया गया है, फैब्रिक में ये पूरी सीट्स दी गई है, हालांकि उसमें नहीं है, ये फैब्रिक में दी गई है। और आपको लेदर रैप्ड कराना है तो भाई ये आपको आफ्टर मार्केट ही कराना पड़ेगा। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी की रियर सीट की तरफ, तो उधर देखते हैं क्या कंफर्ट दिया गया है हुंडई की तरफ से वहाँ पे। तो रियर सीट देखें तो भाई काफ़ी स्पेशियस है इधर, क्योंकि इधर एक सनरूफ भी मिल जाता है, और जो है केबिन का कलर है, केबिन का जो वो कलर है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। दो आपको हेडरेस्ट मिलता है कुशन के साथ, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा कुशन है इसके, काफ़ी सॉफ्ट कुशन है हुंडई क्रेटा के। काफ़ी ब्रॉड सीट दी गई है रियर की साइड में, तीन जनों में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ आप देखें तो भाई आपको सनशेड मिल जाता है, जो कि इसके मिड वेरियंट में भी दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी गाड़ियाँ टॉप वेरियंट में ही देती है।
अब देख लेते भाई यहाँ से आप एक बार डैशबोर्ड का लुक देखिए, काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड है इसका, मतलब तारीफ करते नहीं थकते लोग भाग, इसलिए तो इसकी इतनी सेल है। तो यही तो बात है इस क्रेटा की। नीचे आप देखें तो भाई आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, फ़ोन रखने की जगह भी दी जाती है। सेंटर हम्प की बात करें, वही सेंटर हम्प भी इतना कोई ऊंचा नहीं है, तीन जनों को बैठने में कोई प्रॉब्लम होने जैसी बात भी नहीं है। अब आते हैं ऊपर की तरफ, तो फ्रंट में आप देखें फ्रंट सीट के पीछे आपको रियर पॉकेट दी गई है और लेग स्पेस आपको दिखा ही रहा हूँ मैं, ये मेरी हाइट है 5'8" हाइट है। ऊपर आप देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा हेडरूम दिया गया है। साइड में आप देखें तो भाई आपको LED लाइट मिलती है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन है, पूरा केबिन लिटअप हो जाता है इससे। सेंटर में आप देखें तो भाई आर्म रेस्ट आपको दो कप होल्डर इधर दिए गए हैं, आर्म रेस्ट जब दो जने हो तो आप आर्म रेस्ट की सुविधा ले सकते हैं। रियर सीट तो आपको बता ही दी मैंने, काफ़ी कंफर्टेबल है। ये कुछ बात थी इसके रियर की। तो भाई ये थी Hyundai Creta इनेश गिराज की तरफ से। तो भाई ये इसका जो इंजन है 115 PS इसका पावर है, 300 Nm का टॉर्क है, जो कि काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन है। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।